की व्यवस्था है अभी, क्या कुछ अपडेट है उसको? यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है, सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी, और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीएपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहां है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहां से ज्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहां से अधिक यात्री चारधाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से, और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है, और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए, जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चारधाम के लिए आए, उससे उनको भी सुविधा रहेगी और पूरी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। तो यही मैसेज हम लोगों ने सब जगह दिया है, और इस समय यात्रा एकदम ठीक ठाक चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक और बात आई थी कि इस समय चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए शायद अधिकारियों के पास सामने कोई कठिनाई है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का चुनाव 19 अप्रैल को समाप्त हो गया था, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने परमिशन ले ली थी, और चारधाम यात्रा के सभी कार्य, जंगल की आग से संबंधित सभी कार्य, आपदा प्रबंधन के सभी कार्यों के लिए इलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड को छूट दी हुई है। आदर्श आचार संहिता की वजह से कोई भी काम रुका नहीं है। यहाँ पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जो भी परमिशन लेनी होती है आयोग से, हम लोगों को तुरंत आयोग परमिशन देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग्स भी अलाउड हैं, मंत्रीगण भी मीटिंग कर रहे हैं, उस सब के लिए चुनाव आयोग की अनुमति है। चुनाव आचार संहिता से उत्तराखंड में कोई भी समस्या नहीं है। मैम, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी है, ऐसे में कई यात्री हैं जो ऋषिकेश में रुके हुए हैं, मैम उनको लेकर क्या कुछ विचार विमर्श किया गया है? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पे 31 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रोक है, और जैसे जैसे धाम में जो यात्री हैं वो यात्रा करके वहां से वापस आ जाएंगे, वहां पे कितना स्थान होगा उसको देख के इसमें तय किया जाएगा। मुख्य इसमें उद्देश्य ये है कि कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो, यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो, सभी श्रद्धालु सुगम सुरक्षित यात्रा करें।